अरे यार, खाली रास्ते पे कल्टी मार रहे बाबा ही, ही, ही। सुबह के 6 बज चुके हैं यार, पूरे मेरा टीम सोया पड़ा है। इसी मौके में फटाफट चलता हूँ अपने काम में। ही, ही, ही। अरे लिटिल सिंगम भैया मन लगा के सोइए और मैं चला अपने सुंदरी से मिलने। अरे दोस्तों, मैं ना मेरा गर्लफ्रेंड से तुम सबका मिलाने चाहता हूँ आज। ही, ही, ही। दोस्तों मेरा नाम है शिव, मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ और गाइस मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, मेरे साथ और एक लड़की भी काम करती है और गाइस वो ना मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। वो भी मेरे को बड़ी पसंद है यार, क्या ही बताए। और दोस्तों आज ना मैं मेरी सुंदरी से तुम सबको मिलाऊंगा और गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम सबसे मिलाने के लिए। अरे भाई रे भाई, इतना एक्साइटेड हूँ क्या, गाड़ी ठोक दे रहा हूँ रे भाई। चलो यार फटाफट चलाते और चाहते यार मिलते हैं यार मेरी सुंदरी से। चलो दोस्तों बड़ा चलो। अरे यार गुड मॉर्निंग। अबे यार कितना बज चुका है भाई, कितना, 8, 9, 10। अरे मुझे लगता है फिर से 10 बज चुके हैं, कसम से गाइस आजकल ज्यादा ही सो रहा हूँ क्या। अरे यार तुम सब इतना जल्दी उठ गए मेरे से भी पहले। अरे बात क्या है गाइस, तुम सब इतना पहले पहले क्यों उठ रहे हो मेरे से। कुछ तो बात है, मैं रात भर काम करता था लेकिन आज के टाइम तो भाई इस टाइम पे सो गया था टाइम पे उठने के लिए, लेकिन आज भी 10 बज चुके हैं भाई। तू क्या कर रहा है वीर। अरे भाई लिटिल सिंह भैया, आप तो लेटे पड़े हो, क्या ही करें, गार्डन का थोड़ा साफ सफाई तो करना पड़ेगा ना भाई। आप तो ऐसे लेटे पड़े हो कैसे, गार्डन तो भाई झोप झाड़ बन जाएगा ना, हम लोगों को देखना पड़ेगा। आप तो आलसी लिटिल सिंह भैया हो, कौन सा केस सॉल्व करते हो, कौन सा पुलिस स्टेशन का आपको रखा है मेरे को पता नहीं। इतना आलसी पुलिस ऑफिसर का कौन सा पुलिस स्टेशन पे भाई रखता है, मेरे को भी इतना भी नहीं मालूम। अरे तूने मेरे को आलसी बताया भाई, तेरे को पता नहीं मैं जब भाई नौकरी में जाता ना कितना ज्यादा मेहनत करता हूँ भाई, चोरों को पकड़ता हूँ, पुलिस लोग को पकड़ता हूँ, आई मीन जो पुलिस वाले भाई घूस खाते हैं ना उन सबको पकड़ता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा पैसा नहीं थे, जो हेलमेट नहीं पहनते उन सब लड़के को मैं पकड़ता हूँ। लेकिन गाइस हमारे घर पे इतना सन्नाटा की हुए, बातचीत कुछ चल रहा है क्या मेरे पीठ पीछे। एक मिनट गाइस, वो कौन है। अरे यार वो तो गाइस रुद्रा की को है। अरे भाई लोग दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मेरे को भी सुनना है क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। अरे भाई क्या भाई, मेरे को भी बताओ यार सुनना है, तुम ऐसे भाई इग्नोर कर रहे हो जैसे मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। अरे भाई साहब मेरे को थोड़ा बताइए। हाँ तूने पूरा ठीक बताया भाई, मेरे को पंटर ऐसे ही लग गया पंटर, वो शिवाना किच भाई छोड़ी के चक्कर में पड़ा है पंटर, या छोड़ी ना उसका बर्बाद कर देगा पंटर। वो हम उम्र के थे लेकिन हम तो 2 साल का छोटा है पंटर, हम तो उसके उम्र में पार करके आगे पंटर, लेकिन वो छोड़ी के चक्कर में पकड़ के भाई वो पूरा जिंदगी बेकार हो जाएगा, जिस नौकरी में लगा था वहां से भी लात खाएगा। हाँ तूने भाई सही बताया भाई, लड़कियों का चक्कर बहुत ज्यादा गंदा होता है भाई, कसम से मेरा 2 बार कट चुका है। ओ सुंदरी, मेरा एक्स का आवाज मेरे को भाई मेरे कानों में अभी तक घुसता है, मैं कितना प्यार करती थी। लेकिन एक नंबर की पकौड़ी, हमरे को जबड़ गया चली गई। अरे भाई ऐसी बातें की, सिबा के बारे में बात चल रहा है। सो गाइस ये सब कह रहे सिमा ना किसी लड़की को चक्कर में पड़ा है, भाई लड़कियों के चक्कर में सिबा ऐसा तो नहीं हो सकता है, बंदा एकदम सख्त लौंडा है भाई, किसी से बात भी नहीं करता, कंपनी में काम करता है ये मैंने सुना है भाई, उसे जितना पैसा मिलता है नौकरी से भाई वो खुद ही खर्च कर देता है भाई, हमेशा भाई नौकरी से पैसा मिलता है, कभी भाई मेरे को तो नहीं दिया भाई। बात क्या है, उसका कोई सीन लगता है अलग चल रहा है क्या, मेरे को भी पता नहीं। चलो यार छोड़ो, आज गाइस देख लेते, कल सुबह सुबह ना उसका मैं पीछा करूंगा, देखता हूँ भाई सिबा कौन से लड़की से बात चल रहा है, वो लड़की अच्छी है क्या बुरी। अरे सुंदरी क्या चल रहा है, आज काम कुछ है क्या। अरे सिबा तुम ऐसे बात मत करो, सबसे बड़ी बात तुम मेरे को घूमने नहीं ले जाते, पूरा 1 हफ्ता हो चुका है तुमने मेरे को एक गिफ्ट भी नहीं दिया, हमारा एनिवर्सरी है कल मुझे घूमना है जैसे तैसे, कल मुझे घुमाना ले जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। सुंदरी ऐसे मेरे से गुस्से मत हो जा डार्लिंग, मैं कल तेरे के घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे घर वाले को भाई मुझे लगता है मेरे ऊपर थोड़ा शक हो चुका है। अरे मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे ऊपर किसका शक हो के नहीं हो, मैं तेरे साथ घूमना चाहता हूँ तुम्हारे उस कार्ड पे, आज मेरे को एक अच्छा सा डायमंड रिंग भी देना पड़ेगा। यार डायमंड रिंग देना पड़ेगा भाई, मेरा पैसा भाई पूरे जिंदगी भर में पैसा जोड़ दूँ तो डायमंड रिंग नहीं खरीद सकता, मेरी जान मेरी बात सुन ले। अरे मैं कुछ नहीं सुनने वाला, जानता
जान, मुझे कल एक डायमंड रिंग और मुझे घूमने ले जाना पड़ेगा, कुछ भी करके, जैसे भी करके, नहीं तो भूल जाओ मेरे को, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। रे ऐसे जैसे धमकी मत दो, शादी तो मेरे से करना पड़ेगा लेकिन मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। डायमंड रिंग तो ओके, कल लिखता है, कल चोरी टकारी करके तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेके आऊंगा, चिंता मत करो। अरे कल घूमने भी जाएंगे मेरी जान, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। हाँ मैं तुमको ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। ठीक है, कंपनी में काम कर लिया, छोड़ी पकड़ लिया, लेकिन छोड़ी तो हमारी जान खा रही है, कौन सी बड़ी बात है भाई। चलो कल एक चोरी चकाड़ी मार के, नहीं तो लिटिल सिंघम के पैर में पकड़ के भाई जैसे एक पैसा जुगाड़ करके डायमंड रिंग लेना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ भाई, मेरा जो सुपर कार है वो बेच दो। चलो सबसे पहले घर चलते हैं। अरे चलो यार, मैं घर आ चुका हूँ भाई साहब, शाम होने वाला है। अरे चलो फटाफट घर के अंदर चलता हूँ, देखता हूँ भाई लोग क्या चल रहा है आजकल। भाई आजकल ना मैं इन सबको टाइम बिल्कुल भी नहीं देता, मतलब पहले इन सबके साथ खेलता था लेकिन आजकल तो बिल्कुल भी नहीं खेल रहा। अरे भाई साहब तुम चाड़े एक साथ खड़ेगी, वह बात क्या है तुम सबका, कुछ तो बात है हमरा को भी बताओ। बात ऐसा है कि भाई तेरा चल क्या रहा है, सिवा हम लोगों को साफ साफ बता दे, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। भाई तू तो पहले ऐसा नहीं था भाई, 2-3 दिन में भाई कंपनी में जॉब क्या लग गया भाई, जॉब करते करते हम चारों को भूल ही चुका है, हमारे साथ भाई टाइम बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करता, हमेशा कंपनी में पड़ा रहता है भाई, संडे के दिन भी तू काम में चला जाता है, चल क्या रहा है तेरा भाई साहब, सब बता दे नहीं तो बहुत बुरा हालत होगा। अम्मी की बोलची सुन, अपन को लगता है इसका कुछ पुजवाड़े में झंडा डालना पड़ेगा, ये हमारी बात नहीं सुनने वाला। अरे यार पास नो, अरे गाइस ऐसा कोई बात नहीं है, कंपनी में नया नया कंपनी ने मन लगा के काम करना पड़ रहा है। अरे पंटर तू कुछ गड़बड़ कर रहा है, मुझे लगता है लिटिल सिंघम भैया एक लड़की के चक्कर में पड़ चुका है, पंडर इसको मारो, पकड़ के मारो, वो लड़की कौन है। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे लड़की, छी ऐसी तौबा, ऐसी गंदी हरकत में मैं नहीं पड़ सकता, कसम से यार इन सबको क्या पता चल गया मैं एक लड़की पकड़ लिया, भाई यार कसम से अब तो मारा जाऊंगा, चुपचाप ऊपर जाके सो जाता हूँ। आज भाई कौन से मुंह पकड़ के मैं लिटिल सिंघम भैया से पैसा मांगू, मुझे लगता है मैं कल को यो सुपर कार को बेचकर डायमंड रिंग देना ही पड़ेगा। चलो यार चुपचाप अभी पे चलते हैं यार, ऊपर जाके चुपचाप बैठे रहते हैं, नहीं तो मेरा पापड़ बन जाएगा। अरे यार मुझे लगता है लिटिल सिंघम भैया कसम से कोई लड़की को चक्कर है। ठीक है यार मैं देख लूंगा, तुम सब चिंता मत करो, सुबह सुबह कल उसका पीछा करेंगे। भाई देखते हैं कब तक ऐसे चलेगा तेरा। भाई जब तक मैं लड़की के बारे में पता नहीं लगा था तब तक गाइस उसको मैं चैन का सांस लेने नहीं दूंगा। अरे गाइस सुबह हो चुका है, चलो सबको गुड मॉर्निंग। अरे गाइस कितना बढ़िया एकदम सूरज निकल आया है, इसके लिए इंतजार कर रहा था मैं। चलो आज के दिन हम लोग घूमने जाएंगे, ऊपर से संडे है, संडे ही इन सब लगेगा, मैं काम पे जा रहा हूँ संडे का टाइम, लेकिन इन सबको पता नहीं काम के बारे में मैं घूमने ले जा रहा हूँ मेरी सुंदरी को अपने सुपर कार में। चलो यार फटाफट नीचे चलते, ऊपर वाला गेट तो लॉक है और मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ। चलो यार भाई सुंदरी ने मेरे को बड़ा मिस कॉल मार भी चुका है। अरे अरे एक मिनट, यहाँ पे रुद्रा लिटिल सिंघम भैया सो रहे हैं, चुपचाप यहाँ से रब चिकर होना पड़ेगा। अरे चलो यार चुपचाप यहाँ से फटाफट निकालते हैं, सुबह के 7 बजे अभी तक तो ये सब उठने नहीं वाले हैं, हमेशा मैं अकेले सुबह सुबह उठता हूँ और गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। चलो यार ये रहा मेरा सुपर कार, अभी फटाफट लेके निकलता हूँ, आज पूरे दिन घूमेंगे और हम एक बहुत अच्छी अच्छी जगह जाएंगे जहाँ पे मैं और सुंदरी अकेले रहेंगे और कोई नहीं। अरे चलो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकता है, चलो फटाफट भगाता हूँ इस कार को और चलता हूँ सुंदरी के पास। वही वही अरे यार लिटिल सिंघम भैया, भाई लिटिल सिंघम भाई उठो यार। अबे क्या हुआ, अरे सुबह हो चुका है क्या, अरे कसम से शिवा भाग गया क्या। अरे यार मुझे लगता है चला चुका है शिवा। अरे चला गया इतना सुबह सुबह कैसे चला गया यार। हाँ उसको ऐसे ही लगता है, चलो यार। अरे यार तू चुपचाप मेरा पीछे कर, भाई मैंने कल रात भाई कुछ बंदोबस्त कर दिया था। सो दोस्तों कल ना मैंने उसके लैम्बोर्गिनी टार्जो पे एक छोटा सा भाई मैप एडिटर लगा दिया था, मतलब गाइस वो जहाँ पे भी जाएगा उसका मैं मैप पे देख सकता हूँ, मतलब उसका लोकेशन मैं ट्रैक कर सकता हूँ, इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकता है। अरे यार लिटिल सिंघम भैया आप तो कसम से कितने ज्यादा ही स्मार्ट हो। अरे हूँ ना तेरा ही भाई। चलो यार फटाफट गाइस ये ऊपर शटर उठाते यार, ले चलते अपने हायाबूसा को और गाइस पीछे करते उस शिवा का। अरे कसम से यार तुम तो बड़े स्मार्ट हो। अरे भाई स्मार्ट क्यों नहीं होऊंगा भाई, मैं भी लिटिल सिंघम हूँ। चलो गाइस उसका फटाफट पीछे करते और हमारे पास जो है वो गाइस हायाबूसा है, ऐसा वैसा कोई कार नहीं है, 1000 सीसी का एक बाइक है, उसको मैं फटाक से पकड़ लूंगा, उसका लैम्बोर्गिनी तेज है,
चलो दोस्तों फटाफट जाके मेरी सुंदरी को उठाते हैं और जाते हैं एक लॉन्ग टूर पे जहाँ पे कोई भी नहीं होगा, मैं और मेरी सुंदरी। अरे यार, अरे चलो मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ, लगता है मेरे सामने है भाई, मैप पे तो वही दिखाई दे रहा है। एक मिनट, अभी ये तो हमारा ही कार्ड है। अरे यार लिटिल सिंह भाई क्या कर रहे हो यार, उसे देख लेगा हम लोग को। अरे चलो मेरी सुंदरी को मैं छोड़ के यार पीछे कैसे आ सकता हूँ। और हाँ मेरी सुंदरी, अरे यार चलो ब्रेक मार के यहाँ पे आ जाता हूँ। अरे क्या हुआ मेरी जान, क्या हाल चाल? अरे तुम फिर से लेट हो चुके हो सिवा, तुमको मैंने बार बार बोला है टाइम पे आया करो, एक घंटे लेट हो तुम। बहुत टाइम से मेरे को यहाँ पे इंतजार करके रखा है, मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला, हर बार का तुम्हारा नाटक है। एक मिनट ये सिवा तुम्हारे कार्ड पे ये चीज कौन सा है जो चिपका हुआ है? अरे गाइस ये तो वही भाई, उसके मदद से मैं देख पा रहा हूँ उसको। अरे गाइस क्या काम से यहाँ पे मुझे पार करना पड़ेगा, बढ़िया से एकदम आ गया। वही यार रोतरा हिलना मत, मुझे देखना है भाई दोनों का बातचीत क्या चल रहा है। अरे मेरे को इतना लगता है भाई मैंने जो वो ट्रैकर लगाया है उसने देख लिया। अरे तुम्हारे घर पे भाई ये क्या है? अरे यार सिवा फटाफट निकलो। अरे क्या चल रहा है मेरी सुंदरी, क्या बोलना चाहते हो तुम? एक मिनट ये कौन सा चीज है? इसकी मदद से ये तो हम लोगों को ट्रैक कर रहा है, कोई मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, क्या बात हो सकता है। ओए यार सुंदरी, अबे यार इसको पता क्या लग गया, मेरे को सुनना पड़ेगा, इस सबका बात मेरे को अच्छे से सुनाई क्यों नहीं दे रहा? चलो यार अब सुनता हूँ भाई क्या बात हो रहा है इन सबका। अरे यार मैंने इसको उतार दिया, चलो यार फटाफट आज मैं कार चलाऊंगा, तुम चुपचाप बैठना, आज हम लोग घूमने जाएंगे सिवा। कोई बड़ी बात नहीं है मेरी जान, भगाओ इस कार को, ले चलो इस दुनिया से दूर, मैं और तुम तारों के शहर पे। अरे तारों के शहर तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, तारों के शहर नहीं जा सकते, लेकिन ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे ना तुम और मैं रहूंगा, समझ गए ना? पूरा समझ गया। अरे चलो यार फटाफट चलते हैं यार, यहाँ पे देखो सबको धक्का मार के आगे बढ़ो यार, फटाफट चलो। अरे यार तुम मेरे को डायमंड रिंग कब दोगे? तुमने मेरे को प्रॉमिस किया था आज मेरे को डायमंड रिंग दोगे। आज तुमको मैं एक कार को बेच कर डायमंड रिंग जैसे तैसे दिलाई दूंगा मेरी जान, तुम चिंता मत करो, चलो कार को भगाओ। अरे चलो, अरे फटाफट चलो फटाफट चलो। अबे यार ऊपर चढ़ते, ओए चार्ट गड़बड़ हो चुका है रुद्रा भाई। भाई मैंने जो ट्रैकर लगाया था उसका पीछा कर रहा था मैप की, मैप देख के, लेकिन गाइस अभी गड़बड़ हो चुका है, वो ट्रैकर को गाइस उस लड़की ने देख लिया और गाइस उसको तोड़ मड़ोड़ के भाई बाहर फेंक दिया। अभी उन सबका पीछा करना बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्यों गाइस मेरे मैप में कुछ सो ही नहीं कर रहा। अभी मुझे फटाफट अंदाजा से उन सबका पीछा करना पड़ेगा, जितना मेरे को लग रहा था वो सब इसी रास्ते पे चल रहा है। चलो गाइस फटाफट चलते हैं। अरे चलो भैया, अरे चलो बहुत स्पीड से जाते हैं, एक मिनट ब्रेक लगाना पड़ेगा भाई साहब। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, दूसरे के बंदे के घर का भाई दरवाजे का बाउंड्री तोड़ दिया यार, गड़बड़ हो चुका है। अरे पंटर भाई गाली खाने से पहले यहाँ से चलो यार। अरे कसम से यार भाई कसम से, वो कोई देखने से पहले यहाँ से रबू चक्कर होना पड़ेगा, नहीं तो भाई गाली सुनने मिलेगा। एक पुलिस ऑफिसर होके दूसरे का भाई चीज तोड़ रहा हूँ यह बहुत ज्यादा गलत बात है। कहाँ पे चले गए यार अचानक से, अभी तो यहाँ पे था सब कुछ। अरे यार रुद्रा कहाँ पे जा सकते हैं? अरे मेरे को लगता है भाई ये लगता है बहुत ज्यादा तेज भगा के यहाँ से चले गए। अरे यार क्या करे यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है इस तरफ जाना चाहिए लेकिन अंदाजे से जाना पड़ेगा। अरे देखा ना सिवा, तुम्हारा दो भाई तुम्हारा ही पीछा कर रहा था। मेरा भाई एक नंबर का, एक तो काम छोड़ मेरा ही पीछा कर रहा है, मुझे लगता है इन सब से मुझे बदला लेना पड़ेगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों से तुमको बहुत ज्यादा दूर लेके जाऊंगा जहाँ पे मैं और तुम होंगे, और तुम्हारा भाई हम लोग को नहीं ढूंढ सकता, क्यों वो कार के पीछे जो ट्रैकर था वो मैंने ब्लास्ट करवा दिया। अरे शाबाश मेरी जान, हाँ चलो मैं और तुम तारों के शहर में, मजा आ जाएगा। हाँ चलो बहुत मजा आएगा, लेट्स गो। हम आ चुके एक बढ़िया जगह पे, ये जगह के बारे में किसी को नहीं पता, ये सबसे ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा बड़ा जगह है। क्या बोल रहे हो फेमस जगह है? चलो यहाँ पे लगता है बंदे भी बहुत ज्यादा कम हो सकते है। अरे यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, मैं और तुम। हाँ यहाँ पे मैं और तुम रहेंगे, मजा आ जाएगा। सबसे पहले इस कार को यहाँ पे पार्क कर देते हैं, उसके बाद हम दोनों यहाँ पे बातचीत करेंगे। एकदम सही बताया मेरी जान, चिंता मत करो हम दोनों यहाँ पे है, कोई बातचीत करेंगे एकदम मन लगा के। अरे चलो फटाफट यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे। ये सच में कितना ज्यादा बढ़िया जगह है, यहाँ से हमारा शहर कितना बढ़िया से दिखाई भी दे रहा है। अबे यार पूरा ढूंढ ले इस साइड पे कोई नहीं मिला, अबे यार क्या करे यार, रुद्रा कोई रास्ता निकाल दे।
अरे सुनो लिटिल सिंह का भैया, ये दोनों कपल है मेरे को इतना लगता है भाई, ये दोनों ना ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे बंदे बहुत ज्यादा कम रहते हैं, अभी तुमको ना जाना चाहिए वो जगह पे। अरे मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आया हूँ। अरे मेरी जान ये क्या कर रही हो, अरे तुम मेरे को मारने चाहते हो, मैं भाई यहाँ पे हट्टू के गहरे में बैठ गया, अरे क्या ना क्या चाहते हो। शिवा के बच्चे तूने क्या सोच लिया, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तेरे पास इतना पैसा है, इतना ज्यादा लैम्बोर्गिनी सब कुछ है, इसलिए मैंने तेरे को अपने जाल में फंसाया है। कैसा लगा मेरा प्लान, तू तो एक नंबर का बुद्धू देवाकू बंदा है जो मेरे जाल में फंस चुका है। अभी तेरे को कोई नहीं बचा सकता, यहाँ से हिलने का कोशिश किया तो तेरे को गोली मार के मार डालूंगा। अभी चल तेरे पास जितना पैसा है बैंक अकाउंट तेरा जगह सब कुछ मेरे नाम पे लिख के दे दे, नहीं तो जिंदा यहाँ से घर नहीं जा सकता। धोखा धोखा, इतना ज्यादा प्यार करा, अपने भाई लोगों को टाइम ना देके तुम को टाइम दिया, हमेशा मैसेज का रिप्लाई टाइम टू टाइम किया, इसके बदले मेरे को इतना धोखा मिला, मैं जिंदगी बड़े भूल नहीं सकता। मेरी सुंदरी ऐसे मत करो, मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं होता, तेरे साथ पैसा है इसलिए मैं तेरे साथ था, अभी फटाफट पैसा निकाल दे, तेरे पास पैसा नहीं होगा मैं तेरे को छोड़ के चला जाऊंगा, चुपचाप पैसा निकाल दे जितना पैसा है तेरे पास। अरे यार तू ठीक बोल रहा है, देख रुद्रा तू अंदाजे से बोल रहा है, फिर भी मैं तेरी बात सुन के उस लोकेशन पे जा रहा हूँ। सो दोस्तों रुद्रा बोल रहा है ऐसी जगह है जहाँ पे कपल लोग बहुत ज्यादा जाते हैं यार, वहाँ पे पब्लिक लोग बहुत कम रहते हैं। अरे यार ये तो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बंदे हो सकते हैं क्या, ये तो म्यूजियम है, म्यूजियम में बंदे बहुत कम रहते हैं, लेकिन भाई मेरे को दिख चुका है दोनों। अरे यार वो तो लड़की है, अबे तेरी भैंस की तू मेरे दोस्त को गोली मारेगा, तेरी भैंस की आंख भाई, ये लड़की भाई मेरे दोस्त को मारना चाहती है, भैंस की भाई तू है कौन भाई, तू मेरे दोस्त को मारेगा, अभी इसको नहीं छोड़ने वाला, ये लड़की कौन है। अरे सिवा इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तेरे को गोली मारना चाहता था कसम से, अभी इसके मैं कसम से पैर ना फोड़ दूं भाई, कसम से इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है सिवा। अरे यार तू ठीक है, चिंता मत कर, मैं तेरे को बचाने के लिए आ गया भाई, तू जिंदा है। लिटिल सिंह भैया आप गैल, अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम सभी मेरे अच्छे दोस्त हो, ये लड़की ने मेरे धोखा दिया। भाई लड़के ऐसे ही होते हैं, और मेरे को पहले से लग रहा था ये लड़की गेंडोगोल तो करेगा ही। आपने सही बताया, हर लड़की अच्छी नहीं होती, हर लड़की बहुत बुरी भी होती है, मेरे को इतना तो पता लग चुका है, ये लड़की को मैंने इतना ज्यादा भरोसा दिया, अपने कार का पेट्रोल लगा के इतना ज्यादा घुमाया, इतना कुछ दिया, फिर भी इसने मेरे को धोखा दिया। लिटिल सिंह भैया अरे यार रो मत यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, अरे तू शुक्र कर तू जिंदा है, और ऊपर देख रुद्रा। अरे आजा भाई, अरे लिटिल सिंह का भाई पिछवाड़ा टूट चुका है रे, ओए तू जिंदा है, भैंस की आंख मेरी बात नहीं सुनेगा पलटर, तो ऐसा ही होगा ना, लड़के को चक्कर बहुत ज्यादा घंटे को लोए। ऑल राइट गाइस, फाइनली मैंने अपने दोस्त को बचा लिया लड़के के चक्कर से, और ऊपर से गाइस ये मरने वाला था सिवा। चलो गाइस फाइनली सिवा तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करने तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।